नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और सोचिए कि हम उस देश में रहते हैं जहां धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन एक 70 साल के बुजुर्ग अपने माँ को कंधे पर लेकर चल पड़ते हैं, क्योंकि ना अस्पताल के पास उनके लिए एम्बुलेंस है और ना ही समाज के ठेकेदारों के पास उसकी मदद करने के नाम पर कुछ है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर सामने आई है। राधे नाम के इस शख्स ने बताया कि अस्पताल से उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए वह दोपहर की तेज धूप में वीरान सड़क पर अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर 4 किलोमीटर पैदल चले। मगर वो तो भला हो SDM साहब का, जिन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी से दोनों को उनके घर तक पहुंचवाया। असल में राधे की 95 वर्षीय माँ गिर गई थी, इससे उनको गंभीर चोट लग गई थी। राधे अपनी माँ को इलाज के लिए एक जिला अस्पताल लेकर आए थे। राधे की बुजुर्ग माँ को 12 टांके लगे, मगर जब उनको घर ले जाने की बारी आई तो राधे को एम्बुलेंस नहीं मिली। अस्पताल के एम्बुलेंस वाले ने राधे की माँ को यह कहकर ले जाने से मना कर दिया कि ये मरीज को लाने के लिए है, घर छोड़ने के लिए नहीं। वहीं लॉकडाउन के कारण जब राधे को कोई साधन नहीं मिला तो वह श्रवण कुमार की तरह अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। इधर माँ को कंधे पर ढोता देख कुछ मीडिया कर्मियों ने इसकी शिकायत जिला अस्पताल के अधिकारियों से की, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद जब बात SDM साहब तक पहुंची तो उन्होंने इस गंभीरता से लिया और उनको अपनी गाड़ी भेजकर राधे और उनकी माँ को घर तक पहुंचवाया। जरा आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या वहां इस नज़ारे को देखने वाला कोई नहीं होगा। SBN 9 न्यूज़ ऐसे वक्त में आपसे यही कहना चाहेगा कि अपने अंदर की इंसानियत को मत मरने दीजिए, जितना हो सके उतना एक दूसरे की मदद करिए, ताकि फिर कोई 70 साल का बूढ़ा राधे को तपती दोपहरी में अपनी माँ को कंधे पर उठाकर 4 किलोमीटर ना चलना पड़े। धन्यवाद।